महिलाओं की आदत होती है कि हम चाहे कुछ भी चीज़ खरीद रही हो उसमें हमें जरा भी प्रलोभन मिल जाता है ना कि अरे ये चीज़ इतने डिस्काउंट में, इसके साथ ये चीज़ मिल रही है, ये फ्री मिल रही है, तो आप उसके चक्कर में आ ही जाती हैं। आज का माय डियर फ्रेंड्स टॉपिक इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि देखिए, सभी महिलाओं को जो किचन में सब्जियों की ज़रूरत पड़ती है, अगर हमें न्यूट्रिशियस फूड चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, तो हमें सब्जियां खरीदनी ही रहती हैं। तो सब्जियां खरीदने में पैसों की बचत किस तरह करें, सब्जियां खरीदने में पैसे किस तरह से बचाएं, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। वेलकम टू बीइंग अ वुमन एंड लेट द सेविंग बिगिन। सबसे पहले तो सीजनल सब्जियां ही खाएं, क्योंकि वो फुल ऑफ न्यूट्रिशन होती हैं। सब्जियां खरीदते वक्त ये चीज़ ध्यान में रखिए कि देयर शुड बी नो कॉम्प्रोमाइज, कहीं भी क्वालिटी के अंदर, न्यूट्रिशन के अंदर सेक्रीफाइस मत करिए। पूरे जो आपके महीने का रूटीन बना लीजिए कि आप खाने का शेड्यूल इस तरह से रखिए कि जो आपकी डाइट में न्यूट्रिशियस खाना शामिल हो, क्योंकि और हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां सब शामिल हो, तो इनको खरीदा किस तरह से जाए, वाइस तरीके से उसमें पैसे किस तरह से बचाए जाएं, और साथ साथ फैमिली की हेल्थ के साथ, न्यूट्रिशन के साथ भी समझौता ना किया जाए। जो सब्जियां कोल्ड स्टोरेज की होती हैं वो महंगी तो आती ही आती हैं, साथ साथ उनके अंदर जो उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है ना, वो भी खत्म हो जाती है। सीजनल सब्जी अगर आप सर्दियों के अंदर जिस समय गोभी आती है उस समय भिंडी खाना चाहेंगे तो वो महंगी मिलेगी, और इसके साथ ही ऑपोजिट आप गर्मियों में गोभी खाना चाहेंगे तो वो आपको महंगी मिलेगी। और अभी देखिए आजकल सारी फ्रेंड्स सारी सब्जियां मार्केट में अवेलेबल हैं, दोनों तरह की सब्जियां मिल जाती है, सर्दी गर्मी की सारी सब्जियां अवेलेबल हैं, तो आप ये चीज़ सोच सकते हैं ना कि ये कैसे हो सकता है। बाकी सब्जियां कोल्ड स्टोरेज की होती है ना, पहले आप याद करिए, अगर आप जिस समय छोटे रहे होंगे आपकी जो लाइक मदर हैं या आपकी दादी सा हैं उनसे अगर आप बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, पहले ये टाइम था कि अगर आप जैसे गर्मियां हैं तो गर्मियों के अंदर भी बिल्कुल जो हमारे पेरेंट्स थे वो सीजनल फ्रूट्स या सब्जियां ला करके रख देते थे। अब गर्मी आ रही है तो वाटरमेलन अगर सही रेट के अंदर पड़ रहा है वो, सर्दियां हैं तो उसके हिसाब से जो सब्जियां होती थी वो ला करके रख देते थे, सर्दियों में गोभी सही रेट में मिलती है। और वो क्या है कि जो सीजनल फ्रूट्स होते थे वो भी ला के रख देते थे ताकि कि बच्चे वो खाते रहें दिन भर और उनको फुल ऑफ न्यूट्रिशन मिलता, अच्छी तरह से मिलता रहे। लेकिन आजकल क्या हो गया कि सभी तरह की सब्जियां, चाहे वो कोल्ड स्टोरेज की वजह से राउंड द ईयर सारी सब्जियां आपको मार्केट में मिल जाएंगी, लेकिन अब ये चीज़ देखनी आपको कि हेल्थ के साथ समझौता नहीं करना और साथ साथ पैसों की बचत भी होनी चाहिए, अच्छा खाना भी मिलना चाहिए, इन सब चीज़ों को देखते हुए जो आप सब्जियों की खरीदारी करते हैं, और ये सब एक महिला का, एक गृहिणी का काम होता है कि आप किस तरह से सब्जियों की खरीदारी वाइस तरीके से करें। कोशिश करें कि बहुत सारी हरी सब्जियां एक साथ ना खरीदें, क्योंकि अगर वो पड़ी जाती हैं, पड़ी रहती हैं तो उनके जो पत्ते होते हैं गल जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं, और इस तरह की सब्जी कंज्यूम करना बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। साथ ही साथ देखिए, आप ज़्यादा डिस्काउंट के चक्कर में खरीद तो लाती हैं लेकिन जब वो ख़राब हो जाएगी तब भी आपके पैसे बर्बाद होंगे। चीज़ हमेशा उतनी खरीदिए जितनी की आपको ज़रूरत है, ज़्यादा खरीदने से, फ्रिज में भर के रखने से भी उनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू ख़त्म होगी और आपकी हेल्थ के साथ भी बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होगा। हमेशा कंपेयर करिए प्राइसेस कि कहाँ पे कौन सी चीज़ सही रेट के अंदर मिल रही है, आपके घर के बाहर जो गली के अंदर जो आता है वो सही रेट के अंदर दे रहा है, या फिर सपोज करिए आप कहीं मॉल से खरीदते हैं सब्जी, या बाहर जो ठेले वाले खड़े होते हैं उनसे सब्जियां खरीदते हैं, उनके रेट्स में कितना डिफरेंस है। मॉल में आप जाओगे आपको धनिया मिर्ची सब चीज़ों के पैसे लगते हैं, पर जो ये जो ठेले वाले होते हैं ना, जो बेचारे अपने आजीविका को चलाने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए दिन भर ठेला घसीटते हैं, और इनको आप बोलते हो कि फ्री में देना भैया धनिया और सब्जी, लास्ट में सब्जी पूरी पैक करवा ली, उसके बाद लास्ट में ये बोलते हो कि धनिया और मिर्ची डाल देना, वो कॉम्प्लीमेंट्री डाल भी देते हैं आपको, पर ये चीज़ अगर आप मॉल में जाती है ना तो वहाँ चीज़ जैसे आपने अगर डाला तो उसके प्राइसेस बिलिंग वहाँ पर अलग होगी, तो थोड़ा थोड़ा करके बात बराबर हो जाती है। कोशिश ये करिए कि थोड़ी थोड़ी सब्जी लीजिए, और ताकि वो फ्रेश है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बनी रहे और आपके बच्चे, आपके जो घर के मेंबर्स हैं वो खाएं तो उसको लाइक खाने के बाद उनकी जो हेल्थ है वो अच्छी रहे। हरी पत्तेदार सब्जियां जो हैं उसके अंदर भरपूर विटामिन्स, प्रोटीन्स होते हैं, तो आपकी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है कि जो सब्जी है वो बहुत अच्छे तरीके से खरीदी जाए। सब्जियां खरीदने में पैसे बचाने के लिए बहुत समझदारी रखिए, बहुत समझदारी से थोड़ी थोड़ी खरीदिए, फ्रेश वेजिटेबल खरीदिए। देखिए इस बहाने आप बाहर जाएंगी थोड़ा बहुत लेने के लिए तो आपको भी, खुद को भी अच्छा लगेगा घर से बाहर निकल के। एक साथ बल्क परचेजिंग उतनी ज़्यादा मत करिए कि वो चीज़ पड़े पड़े सड़ जाए, खराब हो जाए, इससे आपके पैसे बर्बाद होंगे। इसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल्स के अलावा जो कुछ घर की सब्जियां होती हैं, छोले, राजमा, अलग अलग तरह की दालें,
मिक्स दाल बनाइए ज़रूर, क्योंकि उसमें सारी दालें होती हैं, उसमें बहुत न्यूट्रिशन होता है। इस चेंज कर करके बनाइए सारा डिपेंडेंस। मैंने कुछ फैमिलीज का देखा है पूरे टाइम केवल ग्रीन वेजिटेबल्स ही खाते हैं, तो ये ग्रीन वेजिटेबल खाना अच्छा है, लेकिन चेंज भी करिए। सपोज एक आपने दाल बना ली, उसके साथ एक हरी सब्जी बना लीजिए। खाली हरी सब्जियां ही आप खाएंगे पूरे टाइम, तब तो देखिए आप, फिर तो आपको हरी सब्जियां लेने जाना भी पड़ेगा, और उसका फिर जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं वो महंगी भी आती हैं। देखिए सस्ती दालें भी नहीं है, दूध महंगा, आटा महंगा, चावल महंगा, सब्जियां महंगी, सब कुछ महंगा ही है। तो इस महंगाई भरे जमाने के अंदर घर को किस तरीके से चलाया जाए, ये केवल जो महिलाएं उनके हाथ में है। तो सब्जियों की खरीदारी सोच समझ कर करिए, और पैसों की बचत मेरे साथ लगातार करते रहिए। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। आप भी और तरीके इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि सब्जी खरीदने के मामले में समझदारी किस तरह से बरतें, किस तरह पैसों की बचत करें। दिस इज ऑल फॉर टुडे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मेरी इस प्यारी सी फैमिली के मेंबर बनने के लिए इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीइंग अ वुमन। बाय बाय।